अर्जुन टैंक्स की अपडेटेड वेरिएंट्स की फाइनल ट्रायल अभी पोखरण फायरिंग रेंज में कंडक्ट किया जा रहा है। रशिया की तरफ से अभी अपनी SU-57 एयरक्राफ्ट की RCS को रिड्यूस करने की कोशिश में इसके एयर इंटेक्स में कुछ मॉडिफिकेशन करने का फैसला किया गया है। रशिया की तरफ से अभी एक और लाइट टू मीडियम वेट क्लास की 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि शायद दुनिया का सबसे सस्ता 5th जनरेशन फाइटर हो सकता है। और अंत में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी भारत की सपोर्ट में एक ऑफिशियल बिल को अपने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2021 में पास किया जाने वाला है, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट अपने अलाइड कंट्रीज को चाइनीज एग्रेशन के खिलाफ डायरेक्टली मदद कर सकता है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अर्जुन टैंक्स को लेकर है। TNN की रिपोर्ट के मुताबिक कल पोखरण फायरिंग रेंज में अर्जुन MK-1A टैंक्स की फाइनल ट्रायल को कंडक्ट किया गया था। आप सबको पता होगा कि ये अर्जुन टैंक्स की प्रीवियस वेरिएंट्स का एक अपडेटेड वर्जन था, जिसमें DRDO की तरफ से अभी 14 मेन अपग्रेड किए गए हैं। अब इसमें एक फुली ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम का इंस्टॉल किया गया है और इसमें जो सेकेंडरी वेपन सिस्टम है उसको भी रिमोटली ऑपरेट किया जाता है, जो कि सेफ्टी के लिहाज से काफी बेहतर है, क्योंकि फायरिंग के दौरान हमारे सोल्जर्स को और टैंक के कमांडर को एक्सपोज होना नहीं पड़ता और वो आर्मर प्रोटेक्शन के अंदर रहकर ही दुश्मन के साथ एंगेज हो सकते हैं। इसमें अभी ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम को भी दिया जा रहा है, जिस वजह से कि मूविंग कंडीशन में भी अपने टारगेट को इजीली ट्रैक कर सकता है और उसके साथ एंगेज हो सकता है। रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी जी भी लोंगेवाला में अर्जुन टैंक्स में सवार होकर राइड कर रहे थे, जिसके बाद ये संदेह किया जा रहा है कि जल्द ही भारत की तरफ से अर्जुन MK-1A टैंक्स को इंडियन आर्मी में शामिल करने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है। वैसे अभी इंडियन आर्मी के पास अर्जुन टैंक के 2 रेजिमेंट मौजूद है, जो कि MK-1 स्टैंडर्ड के। DRDO के मुताबिक अभी MK-1A स्टैंडर्ड की 2 रेजिमेंट को इंडक्ट करने के बाद आर्मी आगे चल के अर्जुन MK-2 स्टैंडर्ड के टैंक्स को भी बड़ी मात्रा में शामिल कर सकता है। अगला अपडेट SU-57 को लेकर है। अब सबको पता होगा कि SU-57 या FGFA प्रोग्राम से पीछे हटने का भारत का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये उतना स्टेल्थी नहीं था और इसके इंजन को लेकर भी इंडियन एयरफोर्स चिंतित था। अब इंजन इशू को तो रशिया की तरफ से पहले से ही सॉल्व किया जा चुका है, लेकिन स्टेल्थीनेस को लेकर अभी भी इसमें काफी इशू सामने आ रहे हैं और लगभग सभी डिफेंस एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि रशिया की 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बाकी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले इतना स्टेल्थी नहीं है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। दरअसल हमेशा से ही US ओरिजिन एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ को आधार करके डेवलप किया गया, जबकि रशिया हमेशा से ही स्पीड और मैन्युवरेबिलिटी को ज्यादा अहमियत देता रहा है और उसी हिसाब से US ओरिजिन और रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट के डिजाइन में कुछ बेसिक अंतर हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी रशिया की तरफ से भी अपने एयरक्राफ्ट की RCS को कम करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि आज की जनरेशन की एयर टू एयर एंगेजमेंट में VVR एंगेजमेंट सबसे ज्यादा मायने रखता है और आज के दौर में मिसाइल भी काफी हद तक बेहतर हो चुके हैं, जिनको काफी दूरी से लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में जो एयरक्राफ्ट रडार में पहले दिखाई देता है वो हमेशा डिफेंसिव मोड में जाने के लिए मजबूर हो जाता है और उसे डिटेक्ट करने वाला एयरक्राफ्ट पहले मिसाइल को फायर कर देता है। इसी वजह से रशिया अभी अपनी SU-57 एयरक्राफ्ट की स्टेल्थीनेस को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अब इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर को तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ माइनर मॉडिफिकेशन यहाँ पे करके इसकी RCS को कुछ हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। आमतौर पर किसी भी एयरक्राफ्ट की फ्रंटल RCS या फिर इंफ्रारेड सिग्नेचर इसकी एयर इंटेक के ऊपर काफी डिपेंड करता है। जिन एयरक्राफ्ट के एयर इंटेक्स में उनका इंजन दिखाई पड़ता है उनका RCS काफी बढ़ जाता है। इसी वजह से अभी सर्पेंटाइन एयर इंटेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर SU-57 की ओरिजिनल एयर इंटेक्स को रशिया बदल नहीं सकता है, जिस वजह से अभी उन्होंने इसकी एयर इंटेक्स में एक तरीके का ग्रिल लगा दिया गया है। रिसेंटली रशियन मीडिया में एक इमेज को शेयर किया जा रहा था, जहां पर SU-57 की एयर इंटेक्स में कुछ ग्रिल टाइप का सेक्शन दिखाई पड़ रहा था। अब हालांकि रशियन मीडिया के मुताबिक इसे SU-57 की RCS को कम करने के लिए वहां पर लगाया गया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जहां पर ग्राउंडेड कंडीशन में जेट्स की इंजन के अंदर कंकड़ वगैरह फिर पत्थर वगैरह ना घुसने के लिए ऐसे ग्रिल टाइप का सेक्शन वहां पर लगाया जाता है और वो कुछ हद तक एयर इंटेक्स को क्लोज भी कर देते हैं, लेकिन जैसे ही एयरक्राफ्ट हवा में उड़ने लगता है तो इनको रिट्रैक्ट कर दिया जाता है। फिलहाल SU-57 में अभी जो ग्रिल सेक्शन देखा गया था वो क्या है अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ये इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। आप सभी जानते हैं कि चाइना की तरफ से रियल बैटलफील्ड वॉरफेयर के बदले साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और इनकी मीडिया की तरफ से रोज नए नए वीडियो बनाकर दिखाने की कोशिश की जाती है। इस बार एक चाइनीज मीडिया सोहू की तरफ से ये बताने की कोशिश की गई है कि लद्दाख में चल रही फेसअप के दौरान भारत के जवानों को सही विंटर इक्विपमेंट दिया नहीं जा रहा है और वो अभी ठंड की वजह से काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं।
अब इस क्लेम को प्रूव करने के लिए चाइनीज मीडिया की तरफ से कुछ अनवेरीफाइड इमेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको दिखाकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत के जवानों के पास सही विंटर गियर मौजूद नहीं है। इसमें दिखाए गए इमेजेस के साथ ये बताया गया था कि इंडियन आर्मी के जवानों की तरफ से बताया गया था कि अभी लद्दाख में इंडियन ट्रूप्स के पास खाने पीने का सामान भी सही तरीके से मौजूद नहीं है और सिर्फ ऑफिसर्स को भी यहाँ पर कैंड फूड दिया जा रहा है। इसी दौरान कुछ इमेजेस में ये भी दिखाया गया इंडियन आर्मी के जवान अपने साथ स्लीपिंग बैग को कैरी कर रहे थे और इस पर चाइना का कहना है कि भारत के जवानों को बस स्लीपिंग बैग के भरोसे वहां पे रहना पड़ रहा है, जबकि उनको कोई भी हीटेड टेंट या फिर ऐसी कोई भी फैसिलिटी वहां पे नहीं दिया गया है जो कि चाइना अपने जवानों को वहां पे प्रोवाइड कर रहा है। एक और इमेज में ये दिखाया गया था कि इंडियन आर्मी के जवानों के टेंट चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ था और इस बात को लेकर भी चाइना की तरफ से भारत को क्रिटिसाइज किया गया था। अब असल बात तो ये कि कुछ दिन पहले ही चाइना की ग्लोबल टाइम की तरफ से बताया गया था कि उनके जवानों को जो विंटर कपड़े वहां पे दिए गए थे वो लो क्वालिटी के थे और इसी वजह से चाइना अब इमरजेंसी बेसिस पर विंटर गियर को खरीदना पड़ रहा है। और अंत में एक और इमेज चाइना की तरफ से दिखाया गया था जहां पर इंडियन आर्मी के जवान स्लीपर पहन के वहां पे घूम रहे थे। इस बात को लेकर भी चाइना की तरफ से भारत को क्रिटिसाइज किया गया था कि भारत की तरफ से अपने जवानों को लद्दाख में सही विंटर कपड़े नहीं दिए जा रहे। अब अगर हमारे बंदे उस टेम्परेचर में स्लीपर पहन के घूम सकते हैं तो ये हमारे बंदों की पॉजिटिव पॉइंट है। अब अगर तुम्हारे सोल्जर वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर इस फोटो को आप लोग गौर से देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी जवान खड़े हुए हैं वो सबके सब रिलैक्स कंडीशन में नजर आ रहे हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर टेम्परेचर की वजह से कोई एक भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। और तुम स्लीपर्स की बात कर रहे हो, यहाँ पर ये लोग ग्लोव्स या टोपी वगैरह भी नहीं पहने, जिससे साफ होता है कि उनको वहाँ पे इतना ठंड महसूस नहीं हो रहा है। अगला अपडेट चाइना और पाकिस्तान को लेके है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और चाइना के बीच अब एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का फैसला किया गया है। चाइना की तरफ से सोमवार को बताया गया था कि एक्सरसाइज चाइना और पाकिस्तान के बीच होने वाली सबसे बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है और इसे दोनों देशों की एक्चुअल कॉम्बैट रेडीनेस को चेक करने के लिए किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज को हो ना हो चाइना और पाकिस्तान की तरफ से भारत को नजर में रखकर कंडक्ट किया जा रहा है और इसी वजह से इसको अभी गुजरात के बॉर्डर के काफी करीब कंडक्ट किया जा रहा है। इसका नाम साहिन 9 एक्सरसाइज है और इसे अभी पाकिस्तान की भोलारी एयरवेज में कंडक्ट किया जाएगा। इसकी पिछली एडिशन को 2019 में चाइना की सिंजियान प्रोविंस में कंडक्ट किया गया था और इसमें दोनों ही तरफ से 50 के आसपास एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किए गए थे। अब पाकिस्तान की भोलारी एयरवेज की बात करें तो ये एक नया एयरवेज है जिसको सिंध डिस्ट्रिक्ट में 2017 के दिसंबर में सेटअप किया गया था और पाकिस्तान इसको ड्यूअल यूज करने के लिए यहाँ पे बना रहा है, जो कि पाकिस्तान की चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ये पाकिस्तानी नेवी को भी जरूरत के वक्त सपोर्ट कर सकता है। अगला अपडेट रशिया की तरफ से और अभी हम एक और रशियन ओरिजिन फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। रोस्टेक ऑपरेशन की तरफ से सोमवार को अनाउंस किया गया था कि रशिया अभी एक और फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रही है। एक लाइट टू मीडियम एट क्लास का फाइटर बनने वाला है जो कि बोथ पायलट और एआई के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। रोस्टेक ऑपरेशन के सीईओ के मुताबिक अभी इसके डिजाइन को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है और अभी ये मेनली एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट बनने वाला है। अभी तक इसके लिए कोई भी फॉर्मल बजट को एलोकेट नहीं किया गया और ना ही रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसके लिए कोई फॉर्मल ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है। इस बार रोस्टेक ऑपरेशन अभी अपने तरफ से डेवलपमेंट करना चाहती है और रोस्टेक ऑपरेशन के मुताबिक वो अभी इसको यूनिवर्सल स्टैंडर्ड को नजर में रखकर डेवलप करने वाले हैं और इसे मेनली एक्सपोर्ट करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। और अगर कोई देश इसमें रशिया के साथ शामिल होकर इसको जॉइंटली डेवलप करना चाहता है तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। और आगे चल के अगर रशिया की तरफ से भी इसको खरीदने का मन बनाया जाता है तो वो रशियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको अपग्रेड करके वहां पे दे सकते हैं और इसकी एवियोनिक सिस्टम को पूरी तरीके से रशियन सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। रशिया की तरफ से अभी दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक वो इसको 2017 से ही डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें रशिया के साथ मिलकर इसको डेवलप करने के लिए रशिया एक देश को तलाश कर रहा था जो कि अभी तक रशिया को नहीं मिल पाया है। रशिया के मुताबिक ये शायद अब तक का सबसे सस्ता फिफ्थ जनरेशन फाइटर बनने वाला है जिस वजह से रशिया इसकी मैसिव एक्सपोर्ट करने का एम रखा हुआ है। इसके लिए अभी रशिया जिस इंजन को बनाने वाला है वो रशिया की RD-33 सीरीज की इंजन को बेस करके होने वाली है जिस वजह से इसकी प्राइस काफी हद तक कम रहने की उम्मीद की जा रही है। अब अगर रशिया इसको बना लेता है तो वो सबसे पहले इसको चाइना को या फिर भारत को ऑफर कर सकता है, लेकिन अगर वो इसको अभी डेवलप करना शुरू करते हैं तो जब तक वो इसको तैयार करेंगे तब तक भारत और चाइना दोनों के पास अपने अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर मौजूद होंगे जिस वजह से इस एयरक्राफ्ट का इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने का जो चांस है वो काफी हद तक कम है। और साथ ही इसको आगे चल के रशिया किस हद तक बना पाता है इसको लेके भी काफी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट इंडिया और चाइना को लेके है।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट की कांग्रेस की तरफ से अभी ऑफिशियल एक बिल को तैयार किया जा रहा है जिसमें चाइना की तरफ भारत के ऊपर बॉर्डर को लेकर मिलिट्री एग्रेशन दिखाने की बात की गई है और इसे अब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी नेशनल डिफेंस ऑथोराइजेशन एक्ट 2021 के अंदर शामिल किया जाने वाला है। पिछले हफ्ते इस बिल की सीनेट वर्जन को पास किया जा चुका है और इसको आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ही यूएस कांग्रेस में पास किया जाएगा जिसके बाद इसको व्हाइट हाउस में भेजा जाएगा जहां पर यूएस प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने के बाद ये ऑफिशियली लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट अभी आगे चल के चाइनीज एग्रेशन के खिलाफ अपने अलाइड नेशन को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में रहने वाला आइलैंड कंट्री, यहाँ तक कि भूटान को भी यूनाइटेड स्टेट मदद करने वाला है। इसी दौरान यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी माइक पोम्पियो की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक चाइना और पाकिस्तान को अभी ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट की तरफ से उन कंट्रीज के लिस्ट में डाल दिया गया है जहां पर रिलीजियस फ्रीडम का उल्लंघन किया जा रहा है और इस पर यूएस की तरफ से अभी सीरियस कंसर्न जताया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।